मॉनसून सीजन में पौड़ी जिले के सरकारी जर्जल स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र स्कूल की हालत देखकर घबरा रहे हैं। छात्रों को डर है कि हल्की बारिश भी स्कूल को धराशाही कर देगी। वहीं इन्हीं जर्जर स्कूलों में शिक्षा देने से शिक्षक भी घबराए हुए हैं। और राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल पिशल्ट, राजकीय प्राथमिक स्कूल बैगवाड़ी और गगवाड़ा, पाबो तल्ला और बड़गांव समेत 17 सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की सूची में जीवन शून्य हालत में पड़े हुए हैं, जिसमें प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के 15 स्कूल जबकि माध्यमिक के 2 स्कूल जर्जर हालत में इस वक्त हैं। आलम यह है कि अधिकतर स्कूलों की छत खोखली हो चुकी है और छत से रेत और सीमेंट झड़ चुका है। अब छत के भीतर बिछाई गई सरिया भी नजर आने लगी है और स्कूलों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए कई बार स्कूल के प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग को पत्राचार भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखो, हम कई बार होता है, जैसे जब वर्षा रहती है तो कई बार तो ऊपर से मतलब जो छत का वो है मतलब गिरता रहता है सर, है ना सर ना। कई बार किसी बच्चे के सिर के ऊपर भी पड़ गया तो कई बार ऐसा होता है ना, तो हमें फिर उसको साइड करके फिर करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा कमरा हो, कोई सेफ कमरा हो हमारे पास, जो जो सेफ कमरे केवल 2 कमरे सर सेफ हमारे पास केवल, और बाकी बच्चे मतलब अपने उस पर मतलब पड़े रहे हैं, क्या करने वाले पड़े रहे हैं, और ऊपर से सारी छत मतलब मतलब टपकते रहते, पानी भी टपकता है और मतलब जो उसका प्लास्टर है वो भी झड़ता रहता है सर। जर्जर भवनों के लिए तो स्ट्रिक्टली आदेश किए हुए हैं और निदेशक महोदय से भी आए हुए हैं, शासन से भी आए हुए हैं, और हमने भी जो है यहाँ से खंड शिक्षा अधिकारियों को सबको निर्देश किए हैं। DM साहब भी इस बारे में बार बार सचेत करते रहते हैं। कोई भी जर्जर भवन होगा उसमें बच्चों को कदापि बरसात के टाइम में नहीं बिठाया जाएगा। तो हमारे 17 विद्यालय इसमें जर्जर थे और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था अन्यत्र की हुई है। जैसे गांव में पंचायत घर है तो वहाँ पर कक्षाएं चल रही, बच्चे 4 हैं वहाँ पर, तो इस प्रकार से व्यवस्थाएं की हुई हैं। और कदापि जो है उन भवनों में के नज़दीक भी जो है बच्चों को जाने के लिए मनाई।